हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है कि एक जग में 2 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है और दूध का आयतन, दूध को आयतन में बदलना है यानी घन मीटर में बदलना है। एक जग में 2 लीटर दूध है और 2 लीटर दूध को का आयतन घन मीटर में बदलना है, तो घन मीटर में बदलने के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम तो ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने घन मीटर होते हैं। अगर तुमको पता है कि 1 लीटर में, कि 1 लीटर में कितने घन मीटर होते, 10^-3 घन मीटर, तो तुम इसको 2 लीटर को 10^-3 घन मीटर से गुणा करके उत्तर आ जाएगा हमारा 2×10^-3 घन मीटर। तो ये तो है सीधा सा आसान तरीका, पहला तो ये। दूसरा, अगर तुम्हें पता नहीं है कि 1 लीटर में कितने घन मीटर होते हैं, तुमको ये पता नहीं है, तुमको ये पता है कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, तो तुमको पहले 1 लीटर को 1000 घन सेंटीमीटर में बदलना होगा। फिर हम ये देखते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर हमें 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर है, तो इनको हमें घन मीटर में बदलना होगा, यानी घन से गुणा करना होगा, तब जा कर के हम इसको बदलेंगे मीटर में। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसके लिए इकाई मान निकालना होता है, तब जा कर के इनको बदला जाता है। ये भी इकाई मान है, यानी कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/10^-3 घन मीटर बराबर 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने होते हैं, तो इकाई मान निकालना होता है और जिसको हमें बदलना है, जैसे लीटर को घन मीटर में बदलना है, तो हमें लीटर को इकाई मान में नीचे रखते हैं और नीचे रखने के बाद फिर उसके इकाई मान से गुणा कर देते हैं। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा लीटर घन मीटर में बदल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।